हो गई थी कि तुम जवेरिया को तलाक दोगे। हाँ तो मुकर रहा हूँ ना, मैं नहीं दूंगा तलाक इसको। नबील ने जवेरिया को तलाक देने से इनकार कर दिया। खाना नहीं खाया तुम? भूख नहीं है मुझे। खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। मरूंगी नहीं। अगर मर गई तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। देखो मैं तुम्हारे लिए कबाब, बोटी, पराठा, सलाद सब कुछ लेके आया हूँ। बहुत मजे का खाना है, खा लो यार। मर्जी मत खाओ, मैं सोने लगी। लेकर जा रही जी, आराम के लिए लेकर जा रही। किसी खुशफहमी में मत रहना तुम। अपने बेटे की जिंदगी में रहने नहीं दूंगी तुम्हें। इसका फैसला तो आराम कर चुके हैं कि मैं उनकी जिंदगी में हमेशा रहूंगी। आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। परेशान तो अब मुझे तुम्हें करना है। अपने बेटे की जिंदगी से निकाल कर ही दम लूंगी, ये वादा है मेरा। ओके, कोशिश करके देख लीजिए। मायूसी होगी आपको। भूल है तुम्हारी। बहुत गुरूर है ना तुम्हें तुम्हारे इस रिश्ते पर। मिट्टी में मिला दूंगी मैं तुम्हें भी और तुम्हारे इस गुरूर को भी। गुरूर नहीं, मुझे अरहम और अपने रिश्ते पर फखर है। और ये फखर आपके बेटे ने ही मुझे दिया है। आपके अगेंस्ट जाकर उसने हमसे शादी की, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। मुझे एक लड़की पसंद है और काफी दिनों से मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था पर कभी मौका नहीं मिला। कौन है वो लड़की? कहाँ रहती है? उसके फादर का क्या बिजनेस है? स्टेटस क्या है उनका? मॉम, मैं किंजा को पसंद करता हूँ। इसका फैसला तो आराम कर चुके हैं कि मैं उनकी जिंदगी में हमेशा रहूंगी। आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं।
भूल जाता है कि अब सब कुछ जवेरिया का वही है। ये बोल के तू कौन होता है कुछ करने वाला? हकीकत यही है। खाना कौन खा के चला गया? काली बिल्ली ने खा लिया होगा। काली बिल्ली ने नाक में दम करके रखा हो। सिर्फ बोटियां और कबाब खा के चलेगी काली बिल्ली। काली किसको बोला? बिल्ली को। क्यों? रात में कहा था ना खाना खा लो, नहीं खाया तो ये देखो बिल्ली खा के चली गई। जवेरिया कहाँ है? उसको बुला, मुझे बात करनी है उससे। मुझसे बात कर ला? उससे क्या बात करनी है तुझे? कहा ना जवेरिया से बात करनी है, तुझसे बात नहीं करनी। अपनी आवाज हल्की रख, मेरे ही दरवाजे पे खड़ा है और मेरी बीवी से बात करनी है तुझे? नहीं, यहाँ पे तेरी बकवास सुनने नहीं आया। एक बात कान खोल के सुन ले, मेरी बीवी है वो, मेरी इजाजत के बगैर वो ना ही किसी से मिल सकती है और ना ही बात कर सकती है। एक नबीर, तू अपनी हद में है। मेरी हदें अच्छे तरीके से जानता है, अभी जाननी है बाद में बता। मुंह तोड़ दूंगा तेरा, मेरे घर आके मेरे साथ ही बदमाशी कर रहा है। अबे तेरा कत्ल भी मेरे हाथों ही लिखा है, समझा ना? आप किसको लगा रहे हो? लगा रखा तुम दोनों ने, तंग आ चुकी हूँ मैं। मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया अपनी आना और ख्वाहिश के लिए। जवेरिया मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, खुदा के लिए जाओ यहाँ से। बेजार आ चुकी हूँ मैं सबसे। निकल, चल चल ना। आंटी चाय? क्या कहा आंटी? ये अंग्रेजों वाले चोचले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, सीधा सीधा फुप्पो कहा कर, जैसे शोभी और जवेरिया कहते हैं, समझी? अरे फुप्पो क्या हो गया, अगर मरियम ने आंटी कह दिया। और वैसे भी इंग्लिश में फुप्पो को आंटी कहते हैं। तू चुप बैठ, ये आंटी घंटी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और तुझे किसने कहा है औरतों के बीच में बात करने की? फौरन अपनी बीवी की हिमायत में खड़ा हो गया। शर्म तो आती नहीं, जरा तमीज नहीं तुझे बड़ों के साथ बात करने की? तो अम्मा से ज्यादा खतरनाक। क्या कहा तूने? क्या बोल रहा है ये? कुछ नहीं, मैं आपकी तारीफ कर रहा। कर ही ना ले ये तारीफ, इसका बस चले तो मुझे गोली मार दे। सास कहाँ है तेरी? वो सिलाई के कपड़े देने गई हैं, आती हूँ। और बात सुन, ओ निखट्टू, तो कोई काम वाम क्यों नहीं करता? अरे अच्छा, वो पप्पू याद दिला दिया, काम से ना मुझे काम याद आ गया। ले इससे कहो कोई लफ्ज तो इसको काम याद आता है, ये तू ही पी ले। चाय बनाई अपनी शक्ल जैसे। मुझे उम्मीद है कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो तुम अपनी मम्मी के घर जाने की बेवकूफी नहीं करो। खाना मैं लेता हूँ, साथ में जहर भी लेते आना। क्यों, तुमने खुद खाना? नहीं, तुम्हें खिलाऊंगी।
मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि अरहम ऐसा कर सकता है। तुम अरहम से नाराज मत हो, ये सब कुछ अरहम ने नहीं किया बल्कि वो उस लड़की ने किया है। क्या नाम बताया था तुमने उसका? किंजा। किंजा, ये सब कुछ उसका किया धरा है। यकीन जानो मुझे तो बहुत हैरत हुई जब मैंने ये सुना कि अरहम ने तुम्हारी मर्जी और इजाजत के बगैर शादी कर ली। मुझे तो अपनी आंखों से देखकर भी यकीन नहीं हो रहा। खैर छोड़ो, जो होना था वो तो हो गया, अब सोचो ये कि करना क्या है। मैं अरहम को कभी माफ नहीं करूंगी, वो अच्छी तरह से जानता है अपनी माँ को। मैं जो कह देती हूँ वही करती हूँ। मैं तो अरहम से बात तक करनी छोड़ दी है। अब जब तक वो किंजा को नहीं छोड़ेगा उसे भी उसकी मॉम नहीं मिलेगी। अब उसे मुझे या किंजा में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। ये तो तुम बहुत बड़ी गलती करोगी। क्या मतलब है तुम्हारा? तो क्या करूं, उसे अपना लूं? एक मिडिल क्लास लड़की को अपनी बहू एक्सेप्ट कर लूं? नो, नेवर। ये तुमसे किसने कहा? मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है। ये तो तुम बहुत बड़ी गलती करोगी क्योंकि किंजा चाहती ही यही है कि वो अरहम को तुमसे दूर और अपने आप से नजदीक कर ले। मैंने सोचा ही नहीं था, फिर अब क्या करूं? करना क्या है, मीठी छुरी बन जाओ और बड़े प्यार से इनके रिश्ते को काट दो। सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा, दर्द भी मेरी आशिकी। तुम चुप नहीं कर सकते। तुमसे बात करो तो तुम्हें बुरा लगता है, अकेले में गाना गाओ तो तुम्हें बुरा लगता है। ये हर बात इतनी बुरी क्यों लगती है? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या, मैं या मेरा गाना? दोनों। तुम्हें कोई बीमारी है हंसने की? मैंने कोई लतीफा नहीं सुनाया है। क्यों, हंसना भी मना है? मैं अम्मी के घर जाऊंगी। मैंने कहा मैं अम्मी के घर जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे पूछ नहीं रही और ना ही तुमसे इजाजत ले रही हूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं जाऊंगी। मैं भी तुम्हें बता ही रहा हूँ कि तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इजाजत नहीं दे रहा। पता है मुझे, बाहर जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लो। और हाँ, मुझे उम्मीद है कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो तुम अपनी अम्मी के घर जाने की बेवकूफी नहीं करो। खाना मैं लेता हूँ, साथ में जहर भी लेते आना। क्यों, तुमने खुद खाना? नहीं, तुम्हें खिलाऊंगी। अपने हाथों से खिलाओगी तो जहर भी खा लूंगा। बस एक बात बताओ, तुम हर बार जहर ही मंगाती हो, तुम्हें इतना पसंद है? कहाँ हर वक्त सोचों में घूम रहते हैं आप? मुझे जवेरिया की फिक्र हो रही है, पता नहीं जवेरिया कैसी होगी, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। नबील ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कब तक इस किस्से को दोहराते रहेंगे? अब जो होना था वो तो हो गया ना। तुम्हें तो अपनी बहन की कोई फिक्र ही नहीं, तुमने तो जो चाहा कर लिया, शादी भी हो गई। आहिस्ता बोले अम्मी, मरियम सुनने की तो क्या सोचेगी? सुनती है तो सुन ले, मैं डरती नहीं तुम्हारी बीवी से।
मैं तो डरता हूँ ना। क्या मुँह में बड़बड़ कर रहे हो, जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, मैं कह रहा था कि वो मरियम को उसके घर पे भेज देते ना, वो नबील वैसे भी मिलाएगी। और हाँ, जवेरिया का भी पता चल जाएगा आपको। कैसा? अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें, मुझे मत पढ़ाओ। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मरियम को उसके भाई के घर भेजना चाह रहे हो? तो अम्मी हमेशा मुझे आप गलत समझती, कभी तो सही समझ लिया करें मुझे आप। खाला चाय रख दो उधर, पी लेते हैं। क्या चाय बना रही है मरियम, इतनी मजे की। पता हमारे घर पे इतनी मजे की चाय ना सिर्फ अम्मी बनाती है, और जवेरिया बस पिए ना चाय। मॉम अस्सलाम वालेकुम। आप यहां बैठी हैं, मैंने आपको देखा नहीं था। तुम्हें अब अपनी मॉम थोड़ी नजर आएंगी, किसी और ने जो तुम्हें अपनी निगाहों में उलझा कर रखा हुआ है। अरहम। जी मॉम। वैसे बहुत दिनों के बाद ऐसा फील हो रहा है कि मेरी मॉम ने बहुत प्यार से मुझे आवाज दी। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, मेरा भरोसा तोड़ दिया तुमने। तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैंने कभी तुम्हें बाप की कमी का एहसास नहीं होने दिया। मेरे लिए सबसे बढ़कर तुम थे, मेरी उम्मीद तोड़ दी तुमने। तुमने I'm sorry. I'm really sorry. मैंने आपको तकलीफ दी, दुख दिया। और मैं कभी ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन तुमने ऐसा किया। लेकिन तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे लिए। और इसीलिए मैंने किंजा को अपनाने का फैसला किया है।